करना है थोड़ा, चेयर आपका बहुत पीछे है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे नहीं करते, राइट वाला हाथ से पकड़ो इसको, राइट हाथ से, और लेफ्ट हाथ से नीचे से पकड़ो, हाँ इसको चेयर को खींचो पूरा, ठीक है? ठीक है जी, पूरा क्लच दबना चाहिए, अगर चेयर सेट नहीं होगा तो पूरा क्लच नहीं दबेगा, दाब के देखो एक बार, ठीक है? ठीक है, सही, ओके है, सही है। ये राइट साइड से इसको भी हाँ सेट कर लो, ठीक है जी। हाँ, सीट बेल्ट को ना एक बार में ही लगाना है, ठीक है? एक बार में सीट बेल्ट लगाना है और दो बार, हाँ ठीक है भाई, कुछ है ठीक है जी। अब यहाँ पे जी, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, बीच में बंद जी, ठीक है? राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर, बीच में बंद, ठीक है? लेफ्ट ऊपर, बीच में बंद, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, बीच में बंद, मतलब जब राइट जाना है तो नीचे देना है, और जब लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट मोड़ना है तो ऊपर देना है, ठीक है? ये टर्निंग पॉइंट पे इसको लगाएंगे, ठीक है ना? ना नीचे वो रेस और ब्रेक और क्लच है, ठीक है? ओके, तीन चीजें है सर, जो राइट पैर की तरफ फर्स्ट है ये रेस है, हाँ जी हाँ जी, वो रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये जो लेफ्ट पैर है ना ये क्लच पे रखना है, और राइट वाले पैर से रेस ब्रेक दोनों को देना है, ठीक है? जो रेस और ब्रेक है वो राइट वाले पैर से हैंडल करना, हाँ हाँ हाँ। अब ये तीनों को पता लग गया ना क्या 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 चीज है, इसको अगर ना समझ में आए ना तो, हाँ बिल्कुल ना समझ में आता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच, ठीक है? रेस, ब्रेक और क्लच, ठीक है? अब अपने लेफ्ट पैर है वो क्लच पे रखना है, ठीक है? राइट वाले पैर से जो है रेस ब्रेक दोनों को देना है, जो राइट वाला पैर है, ठीक है? जब क्लच आपने दाबना है ना जी, तो उस टाइम रेस नहीं देनी है, ओके? और क्लच हम कब दाबते हैं, जब गियर चेंज करते हैं जी, तो हम क्लच दाबेंगे, ठीक है जी सर। और जब गियर लगा के हम क्लच छोड़ेंगे तब रेस देते हैं, ठीक है जी? जी सर। और कहीं रोकना होगा तो क्लच दाब के हम ब्रेक लगाएंगे, क्लच दबा के हल्का हल्का, बिना क्लच के ही ब्रेक दबाते हैं तो फिर बिना क्लच के अगर ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ओके? ठीक है जी सर। तो जहां भी कहीं रोकना है तो आपने क्लच दाब के ब्रेक लगाना है, ठीक है? हाँ। आप और गियर कैसे कैसे लगता है, कितनी स्पीड में लगता है उसके बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है जी सर। क्लच को दाबो पूरा, फुल क्लच दाबो, ठीक है? हाथ इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो एक बार हाथ उठाओ आप, मैं बताऊं इसको आपको, ये लेफ्ट, राइट और एक पूरा राइट, ठीक है? ये बीच वाला जो है पूरा न्यूट्रल है, ठीक है जी सर। क्लच दाब के हमको इसको करना है, जो भी गियर लगाना, ठीक है? तो लेफ्ट लेके आगे करेंगे तो फर्स्ट, और पीछे करेंगे तो सेकंड, और फिर ये बीच में न्यूट्रल, थोड़ा हल्का राइट आगे, फिर आगे थर्ड, और पीछे फोर्थ, बीच में न्यूट्रल, ठीक है? राइट लेके आगे फिफ्थ, और राइट लेके पीछे बैक, ठीक है? ओके। फिर बीच में न्यूट्रल जी सर। तो आपको समझ आ गया कैसे कैसे, आप एक बार करके दिखाओ मेरे को। पहले ये क्लच पूरा, हाँ, दबा लिया, ठीक है? ठीक है, अब ये न्यूट्रल में ऐसे, हाँ, बिल्कुल आगे जाओ, राइट, लेफ्ट जाके पूरा आगे, हाँ। आगे ये फर्स्ट है, ठीक है? और ये सेकंड है, सेकंड है, फिर ये न्यूट्रल, फिर थोड़ा सा ऐसे लेके, नहीं बीच में न्यूट्रल करो, हाँ ये न्यूट्रल, सेंटर में पूरा, सेंटर में करने के बाद आगे जाएगा, तब थर्ड होगा, हाँ ये थर्ड है, ठीक है? और दिस वन इज फोर्थ, हाँ, फिर सेंटर में न्यूट्रल, हाँ सेंटर, हाँ ये सेंटर, हाँ, राइट लेके आगे फिफ्थ, और पीछे करोगे तो बैक, ठीक है? हाँ, अगर ये न्यूट्रल शुद्ध नहीं कर पाओगे, न्यूट्रल ये है अगर आप, हाँ तो ये गियर सही से नहीं लगेगा, ठीक है? क्लच आपके एक बार दोबारा बताओ, ये फर्स्ट, सेकंड, हाँ बस ये न्यूट्रल, ठीक है? और थोड़ा और पीछे करो, हाँ ये न्यूट्रल, ठीक है? हाँ ये थर्ड, और सीधा पीछे फोर्थ, ठीक है? और एक बार राइट लेके आगे फिफ्थ, और ये रिवर्स, नहीं राइट लो पूरा इसको एक बार, फिर पीछे करो, हाँ यस ये बैक है, ठीक है? अब न्यूट्रल करो बीच में, और ये मिरर है, देख रहे हो ना, तीन मिरर लगे हैं, ठीक है जी। तो पहला जो है राइट है, और बीच में सेंटर में भी है, पीछे देखने के लिए होता है, और एक लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना जी। तो तीन मिरर है, ठीक है? जब हम कहीं राइट मोड़ना होता है तो हम राइट मिरर में पहले पीछे देख के तभी राइट घुमाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बिना देखे घुमा देते हैं मिरर, ठीक है ना जी। या आपको लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट मिरर देखना फिर घुमाना है, ठीक है? बाकी ये सेंटर का जो मिरर है ना, ये सेंटर का, ये पीछे दूर देखने के लिए होता है, ठीक है? ये तीनों मिरर आपने सेट करके चलानी है गाड़ी, ठीक है जी सर? ठीक है जी सर। अब ये हैंड ब्रेक देखो इधर, ठीक है जी। हैंड ब्रेक ना जब चलाते हैं तो ये इसको डाउन कर देना है, ठीक है? नहीं तो फिर कई लोग ना हैंड ब्रेक पे लगे लगे ही चला देते हैं गाड़ी, ठीक है? और हैंड ब्रेक तो सर, जब हम हैंड ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ये वाली ब्रेक दबानी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर प्लेन जगह पे हो तो नहीं, अगर कहीं अगर ढलान या स्लोप जगह पे हो ना तब वो ब्रेक लगानी पड़ेगी। जैसे हैंड ब्रेक डाउन करते हैं तो राइट पैर से आप वो ब्रेक लगा लोगे, ठीक है? तो अब इसको कैसे डाउन करेंगे मेरे को देख लो एक बार, कैसे करता हूँ मैं इसको, एक बार ऊपर खींच के इसको ऐसे दाबेंगे नीचे चला जाएगा, ठीक है? Okay, अब देखो गाड़ी हल्की हल्की पीछे जा रही है ना, अब ब्रेक लगा लो थोड़ी सी, ठीक है जी। तो अब ये डाउन करके देखो कैसे डाउन करोगे,
ऊपर, हाँ गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कौन सी स्पीड पे या किस टाइम पे कौन सा गियर पड़ेगा? अच्छा जी, मतलब कौन सी स्पीड में कौन सा गियर, ठीक है, मतलब हम जैसे फर्स्ट गियर किस टाइम कब डालते हैं और सेकंड गियर, ठीक ठीक वो पूछ रहे हो आप। ये जो गियर है ना, जो फर्स्ट गियर है वो 0 से 10 की स्पीड में लगाते हैं। जीरो से दस की स्पीड मतलब गाड़ी हमारी रुकी है, जीरो की स्पीड होता है, ठीक है। जब हम 10 से ऊपर की स्पीड में जाएंगे तो हम सेकंड गियर लगा लेते हैं, ठीक है, और जब हम 20 से ऊपर जाएंगे तो थर्ड गियर लगा लेंगे। और फर्स्ट गियर है वो 0 से 10, 10 से 20 में सेकंड गियर, और 20 से अब जाते हैं 40, 60 तो थर्ड गियर। नहीं 60 नहीं, मतलब सिर्फ 20 एव थर्ड गियर, ठीक है, और 40 एव फोर्थ गियर, 40 से अगर ऊपर जाओगे तो फोर्थ गियर लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे घटता भी है, जैसे मान लो आप 40 एव चल रहे हो, स्पीड आपकी है, ठीक है, आपने किसी को आगे बचाने के लिए क्लच और ब्रेक लगा के थोड़ी गाड़ी को स्लो किया, तो ऐसे ही गियर घट जाएगा। जैसे 40 एवं चल रहे हो, हल्का सा आपने स्लो कर लिया तो क्या होगा, 4 के बाद 3 नंबर गियर लग जाएगा। हमें 3 नंबर का गियर लगाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, स्पीड कम करनी है तो गियर भी कम करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी अकॉर्डिंग से अगर कहीं रुक जाते हो तो फिर आप फर्स्ट गियर डाल के चलोगे, जहाँ कहीं भी रुकते हो तो फर्स्ट गियर, ठीक है, थोड़ी सी चल जाती है तो उसके बाद सेकंड गियर, ठीक है। ऐसे ही गियर घटता है और ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। अब स्पीड को आपको पता लग गया ना, समझ में आ गया ना। चाबी इसके इधर साइड में देखो, देखा, उसके अंदर डाल दो चाबी ना। कई लोग क्या करते हैं ना, एक ही बार भी स्टार्ट कर देते हैं चाबी को, हम एक बार भी स्टार्ट नहीं करते, पहले इसको ऑन करेंगे, थोड़ा हल्का आगे करो बस, इसमें लाइटें जल जाएगी। ऑन करने पे डैशबोर्ड के अंदर लाइटें आ जाती है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा, हल्का लूज हाथ से हल्का आगे, बस ये देखो ये ऑन हो गई, ठीक है। अब ये न्यूट्रल चेक कर लेंगे, ठीक है, देखो इधर न्यूट्रल चेक है, न्यूट्रल है ना, क्लच दाब लो, क्लच दाब के स्टार्ट करो। कई बार क्या होता है न्यूट्रल नहीं चेक कर पाते हैं तो क्लच दाब के स्टार्ट करने से क्या होगा, गाड़ी आई तरफ ले जाती है, ठीक है ना। अब हमारे आगे दिखाओ उनके, ये देखो आगे हम तो जा नहीं सकते, आगे जगह नहीं है ना, जी सर। अब थोड़ा हॉर्न वगैरह बताना, चालू करना बताना, ये ना हॉर्न है, ठीक है, और यहाँ से हॉर्न तक से दबा के आप जा सकते हो, सामने आ सकते, ठीक है जी। आगे देखो, आगे हमारे पास जगह नहीं है ना, आगे जगह नहीं है ना, तो हम यहाँ से करेंगे ब्रेक, क्योंकि आगे जगह में तो ब्रेक ही करना पड़ेगा, ठीक है, चलो। अब नहीं, अब हमने डालना है बैक गियर, हाँ पूरा राइट लेके पीछे, ठीक है। और ये जो बैक गियर है ना, सिर्फ क्लच से हो जाता है, कोई हमें रेस देने की लोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्लच, क्लच से चलेगी गाड़ी, ठीक है। अब क्लच छोड़ने से पहले क्या है, पीछे एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, ऐसे मुड़ के पीछे कोई कुछ लेगा, अंदर से भी देख लेंगे और मिरर भी देख लेंगे, तीनों मिरर देख लो, ठीक है, ठीक है। अब हमको जाना है, बैक करना है, तो हमको पीछे वाले से राइट मोड़ना है, ठीक है। जब राइट मोड़ेंगे तो पीछे की सकी किधर जाएगा, राइट घुमाओगे तो पीछे की सकी किधर जाएगा, लेफ्ट साइड की सकी, नहीं ये जब राइट मोड़ते हैं तो पीछे की जो है ना साइड वो राइट में जाती है। अब एक बार नहीं समझ आता तो हल्का सा किसी एक साइड घुमाओ, पहले इस तरी किसी एक साइड घुमाओ, घुमाओ पूरा घुमाओ, घुमाओ थोड़ी सी क्लच चेक करो पीछे का, हम जा रहे हैं मेन रोड पे, ठीक है जी। तो जब मेन रोड पे जाएंगे ना, पहले हम देखेंगे दोनों साइड, फिर हम जाके टर्न करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है ना। तो लगाओ फर्स्ट गियर, चलने के लिए फर्स्ट गियर लगाओ, ठीक है, पूरा लेफ्ट देखो, हाँ दोबारा लगाओ ढूंढो करके, हाँ हाँ ठीक है, लग गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच में छोड़ना, मोड़ो मोड़ो इधर, मोड़ो मोड़ो मोड़ो, अंदर चलो,
राइट नीचे इंडिकेटर दो, राइट नीचे एवरेज है ठीक है। अब राइट देखो उधर, राइट साइड देखना पड़ता है, राइट इंडिकेटर देखना, राइट साइड देखो उधर पूरा उधर घूम के ठीक है। दूसरा का लगाओ, सेकंड का लगा लो छोटा कर ठीक है, रेस मत देना ठीक है। क्लच छोड़ो धीरे, क्लच छोड़ो इधर देखो, वॉच करो इधर ठीक है। इधर देखना होता है स्लो करके, जब कहीं देखते हैं तो क्लच दाब के ब्रेक पे पैर रख के ना स्लो करके देखते हैं ठीक है। तो हल्की रेंज दो, अब लेफ्ट देखो, लेफ्ट साइड गाड़ी आ रही है, देखो इधर पूरा देखना ठीक है। चलते रहो गोल चक्कर के साथ, रेस मत देना ठीक है। सामने लेडीज खड़ी है ना, क्लच दाब लो पूरा, स्लो कर लो गाड़ी को, हाँ ब्रेक पे रख के देखो इधर, अभी गोल चक्कर पे राउंड करना है ठीक है। क्लच छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे धीरे, रेस नहीं, चलो क्लच छोड़ो धीरे, छोड़ो छोड़ो। अब यहाँ फिर लेफ्ट साइड में देखोगे ठीक है ना, अब ठीक है, चलते रहो चलते रहो। अभी लेफ्ट इंडिकेटर नहीं देंगे, अगर हम गोल चक्कर से जब छोड़ेंगे ना जिस साइड जाएंगे वहाँ लेफ्ट इंडिकेटर लगा के देख के जाएंगे ठीक है। पूरा लेफ्ट देखो इधर, मोड़ दीजिए, हल्का हल्का मोड़ते हो थोड़े थोड़े ठीक है, सही मोड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक मोड़ रहे हो, चलो चलो जाओ जाओ, सही है सही है। गोल चक्कर में सटना भी नहीं ठीक है, इससे भी थोड़ा स्पेस बना के रखनी है। क्लच दाब लो, बस आ रही है ठीक है। और क्लच दाब के लेफ्ट ऊपर दो, इंडिकेटर ऊपर दो, पहला गियर लगाओ, फर्स्ट गियर डालो इसको, हाँ ठीक है। क्लच को छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, इधर देखो इधर, इधर देखो इधर, पूरी गाड़ी को दो रहे, दो रहे, दो रहे, ठीक है। क्लच दाब, क्लच दाब दूसरे का लगाओ, क्लच छोड़ो इधर, हाँ ठीक है। मुड़ो 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 थोड़ा थोड़ा करके आराम से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टू गियर लगाओ, सेकंड गियर डालो, राइट लेफ्ट दोनों तरफ देख के तब मोड़ो, मोड़ो धीरे, मोड़ते रहो मोड़ते रहो ठीक है ठीक है। मोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, थोड़ा बचा के स्कूट डिवाइडर को ठीक है। क्लच छोड़ो पूरा, स्पीड लगाओ थोड़ी हल्की रेंज, अभी गियर नहीं बढ़ा, थोड़ा सा रेंज तेज करो, और तेज करो, और तेज, लेफ्ट ऊपर दिन मेटो, क्लच दाब लो, रेस नहीं है, मोड़ो इसको धीरे धीरे आराम आराम, मोड़ते जाओ मोड़ो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, क्लच छोड़ो पूरा, अब आगे से ना वहाँ से हमें यू टर्न लेना है ठीक है जी। जी सर। तो इंडिकेटर कहाँ दोगे यू टर्न के लिए? राइट नीचे, राइट नीचे दे दो, हाँ। अब शीशा में पीछे देख लो, साइड से कोई आता नहीं रहा ना, क्लच दाब के सेकंड गियर लगा लो, सेकंड गियर डालो, लेफ्ट लेके गुड, क्लच दाब के रखना, रेस मत देना ठीक है। जी सर। तो धीरे धीरे अभी और आगे लेके घुमा दो, घुमा दो पूरी गड्डी, घुमा दो, घुमाओ घुमाओ ठीक है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, अपने आप चलेगी, रेस मत देना ठीक है, सीधे करो, सीधे करो पूरा आराम से, गुड, बहुत सही यू टर्न लिया ठीक है। अब फर्स्ट गियर लगा दिए, अब यहाँ से हम मारेंगे यू टर्न ठीक है जी। तो शीशा में पीछे भी देखना है आपने ठीक है, और आगे भी देखना है ठीक है। पीछे कोई नहीं आ रहा ना, होली निकला, छोड़ो क्लच छोड़ो धीरे धीरे, हाँ थोड़ी सी फिर रुक जाओ, क्लच प्रेस करके अब मोड़ कर, कोई स्टीयरिंग पूरा ही मोड़ दो राइट साइड ठीक है। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, कोई है, आ रहा है, खाली है, ठीक है। अब आगे देखो, इधर इधर देखो, पूरा देख लिया, हाँ चलो। अब फिर इधर देखो ठीक है, सीधा कर लो, पूरा सीधा करो हाथ को, क्लच आपका टू गियर लगाओ ना, ये गलत कर रहे हो, नहीं लग गया, लगे ठीक है, ठीक है सही है ठीक है, सही लगाए, लेफ्ट ऊपर दो, जाओ 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 जाओ, अब पूरा क्लच दाब लो, लेफ्ट टर्निंग होता है ना वो छोटा मोड़ते हैं, अपने साइड मोड़ो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही मोड़ रहे, इसको पास में ही मोड़ना, ज्यादा बड़ा करोगे तो गलत हो जाएगा टर्निंग, क्लच छोड़ दो बस, उधर देखते रहना पीछे शीशे में भी ठीक है। ये बीच में जो व्हाइट पट्टी देख रहे हो ना आप, ये बीच में जो व्हाइट पट्टी है ना, इसके अंदर गाड़ी चलानी है, व्हाइट पट्टी पे नहीं चलानी है, थोड़ी जो डॉटेड लाइन है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बीच में चलानी है हमें, बीच नहीं इसके अंदर, अच्छा मतलब हाँ, मतलब इस इन दोनों के बीच, हाँ बिल्कुल इसके अंदर, हाँ इसके अंदर अपने, मतलब इसके अंदर जी। अब यहाँ पे हम रोकेंगे, क्लच दाब लो पूरा, हल्का हल्का ब्रेक पे पैर रखो, इंडिकेटर राइट नीचे दो, अंदर पार्किंग में जाना ठीक है। अब एक नंबर गियर लगाओ, रोको यहाँ पे, फर्स्ट गियर लगाओ, और आगे देखो एक बार ठीक है, आगे और पीछे देखो एक बार, आगे देखो एक बार, पीछे भी देखो ठीक है। गाड़ी आ रही है ना, निकल जाओ, गाड़ी आ रही है ठीक है, निकल जाओ ठीक है। क्लच छोड़ दीजिए, आराम आराम ठीक है, थोड़ा और बड़ा करके ज्यादा, हाँ ज्यादा पास में मुड़ोगे तो पीछे का टायर जो है ना उसमें लग जाएगा ठीक है। सीधा करो, सीधी करो, पूरी हाथ को सीधी करो, सीधा करो स्टीयरिंग, ये चीज है ठीक है। क्लच दाब के ब्रेक न्यूट्रल कर लो, गुड, ये है न्यूट्रल हो गया ना, ये हैंड ब्रेक ऊपर खींचो, पूरा ऊपर खींचो ठीक है। ये कुंडी दाब के नहीं खींचना, इसको जब खींचते तो ऐसे खींचते ठीक है, इसको जब डाउन करना तो ये तब दबा के, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही है ठीक है। अब बेल्ट प्रेस कर लो ठीक है, ये खुल गया। अब चाबी कैसे बंद करना है वो बता रहा हूँ आपको, चाबी को पकड़ो, पहले चाबी पकड़ लिया ना, चाबी पकड़ने के बाद ऐसे पीछे की तरफ बंद करना ठीक है, पीछे, हाँ पीछे वापस बंद हो गया ठीक है जी सर।
तो अब आपको समझ आया सारा कुछ? जी सर। कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं। बाकी क्या है ना कि ये जो अगला क्लास होगा, बाकी जो छोटा फूटा होगा उसमें आएगा सारी चीजें, ठीक है? बताएंगे जो आगे नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें बताएंगे सारा, ठीक है ना? कि एक हफ्ता 10 दिन में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी और आराम से आप ट्रैफिक में चला लोगे, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे सर हम जैसे शॉर्ट टाइम के लिए हमें किसी का वेट करना है, मार्केट में हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उस वक्त हमें ये फुट ब्रेक या हैंड ब्रेक लगा देते हैं। हैंड ब्रेक, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हैंड ब्रेक लगा के, ठीक है? अगर मार्केट में हो तो कोई बात नहीं, अगर रोड पे खड़े होते हो ना जी, जी, जी। तो यहाँ पार्किंग लाइट दिया हुआ, ठीक है? ये पार्किंग लाइट प्रेस करो इसको, ठीक है? हाँ, कभी भी रोड साइड रोड पे खड़े होते हो थोड़ी देर के लिए, ये पार्किंग लाइट, ठीक है जी? जी।